जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा की उन्नति के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हीलिंग टेक्निक प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हीलिंग टेक्निक मेडिटेशन आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसे बहुत ही कम समय में किया जा सकता है और आप इसे अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप नोटिस करेंगे आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा चार्ज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो चुकी है। इस डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस से आप अपने बॉडी के सभी नेगेटिव ब्लॉकेज को रिमूव करेंगे, क्लेंस करेंगे और पावरफुल डिवाइन एनर्जी से चार्ज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान रखें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। ध्यान मुद्रा में आराम से बैठकर अपने दोनों हाथों को ध्यान की मुद्रा में अपनी जांघों पर रखेंगे और 2 से 3 गहरी सांस अंदर लेंगे। आपकी आंखें बंद हैं और आप जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा विजुअलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे। कल्पना करिए आकाश से एक श्वेत दूधिया प्रकाश आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर रहा है। एक वाइट प्योर डिवाइन लाइट आसमान से होते हुए आपके सर में, आपके क्राउन चक्रा में, सहस्त्र चक्रा में एंटर कर रही है और आपका क्राउन चक्रा उस वाइट लाइट से पूरी तरीके से चार्ज हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है। क्राउन चक्रा की सारी नेगेटिविटी वो वाइट लाइट रोटेट होके एब्जॉर्ब कर रही है। वो वाइट लाइट एंटर होते हुए आपके थर्ड आई चक्रा में आ गई है। थर्ड आई चक्रा में सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हुए, रोटेट करते हुए वो प्योर डिवाइन वाइट लाइट आपके थ्रोट चक्रा में आ रही है। थ्रोट चक्रा को क्लेंस करते हुए, प्योरीफाई करते हुए वाइट लाइट हर्ट चक्रा में आ गई है। इमेजिन करिए आपका हर्ट चक्रा का सारी नेगेटिविटी वो वाइट लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, क्लेंस हो रहा है आपका हर्ट चक्रा। आपके हर्ट चक्रा से होते हुए वाइट लाइट दोनों हाथों में फैल रही है, हाथ की उंगलियों तक जा रही है। अब वाइट लाइट सोलर प्लेक्सस में आके सोलर प्लेक्सस चक्रा की सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लिया है। सैक्रल चक्रा में जाकर सारी नेगेटिविटी को क्लेंस करते हुए, चार्ज करते हुए रूट चक्रा में पहुंच गई है। रूट चक्रा की सारी नेगेटिविटी को क्लियर करते हुए, क्लेंस करते हुए वो वाइट लाइट आपके पैरों से होते हुए एड़ियों पे पहुंच गई है और एड़ियों से वाइट लाइट आपके शरीर से बाहर निकल गई है और अर्थ में ग्राउंड हो गई है। आपका पूरा शरीर डिवाइन वाइट लाइट से क्लेंस हो चुका है, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो चुकी है। विजुअलाइज करेंगे पर्पल लाइट, एक बैगनी रंग की डिवाइन लाइट आसमान से आपके क्राउन चक्रा में एंटर कर रही है। ये पर्पल लाइट हीलिंग लाइट है, ये आपकी हर एक कोशिका को हील कर देगी, एनर्जाइज कर देगी और नवीन शक्ति से भर देगी। पर्पल लाइट क्राउन चक्रा को हील कर रही है, ये हीलिंग लाइट है, नेगेटिविटी रिमूव हो चुकी है, अब ये हील कर रही है। क्राउन चक्रा से होते हुए थर्ड आई चक्रा को ये पर्पल लाइट हील कर रही है और ज़्यादा एनर्जाइज कर रही है।
थर्ड आई से होते हुए पर्पल लाइट आपके थ्रोट चक्रा में थ्रोट चक्रा को और ज़्यादा हील कर रही है। आपका कम्युनिकेशन और अच्छा हो रहा है। पर्पल लाइट आपके हर्ट चक्रा में एंटर कर रही है, आपका हर्ट एक्सपेंड कर रहा है, आपका हर्ट हील हो रहा है पर्पल लाइट से। पर्पल लाइट की डिवाइन एनर्जी सोलर प्लेक्सिस को हील करते हुए सैक्रल चक्रा को हील कर रही है। पर्पल लाइट आपके रूट चक्रा में, मूलाधार चक्रा में पहुंच गई है और उसे हील करते हुए पूरे शरीर में फैल गई है। इमेजिन करिए वो पर्पल लाइट आपके सर से पैरों तक चारों तरफ घूम रही है। हर एक सेल में, हर एक कोशिका में पर्पल लाइट है। महसूस करिए एक प्रिज्म बन गया है आपके चारों ओर, एक पर्पल लाइट का गुब्बारा बन गया है जो आपको हील कर रहा है। अब आप पूरी तरीके से एनर्जाइज हो चुके हैं। आपके शरीर की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी से चार्ज हो गए हैं। डिवाइन को धन्यवाद करें कि उसने आपको इतनी ब्यूटीफुल लाइट से, वाइट लाइट और पर्पल लाइट से चार्ज किया है, प्योरीफाई किया है। धन्यवाद करें यूनिवर्स का। अपने दोनों हाथों को रब करें, अपनी आंखों पे लगाएं और धीरे से उठ जाएं।